Wow. हे फूडीज, वेलकम टू माय चैनल पू व्लॉग्स एंड हैप्पी दिवाली। और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं पू व्लॉग्स, पूरे पू व्लॉग्स फैमिली को। जो दीपक है जैसे अंधेरे में उजाला ला देता है, वैसे ही हम लोग विश करेंगे कि हम सब की लाइफ में ऐसा उजाला आए आज के दिन से। और आप लोग अच्छे से और सेफ दिवाली मनाइएगा, एंड अच्छे से दिवाली मनाइए, केयरफुल होकर मनाइए, और थोड़ा सा नॉइस पोल्यूशन का ध्यान देते हुए मनाइए। लेकिन आज हमारे पासीघाट में वेदर बिल्कुल अच्छा नहीं है, दिवाली के दिन ऐसा होगा एक्सपेक्ट नहीं किया था। बारिश हो रहा है यहाँ पे और बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी इस बार बहुत जल्दी आ गया लग रहा है यहाँ पे। अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है कि आज रात मैं क्या बनाऊँ, तो एक बढ़िया सा एक डिश मैं आपको बताऊंगी, पास्ता वाला। तो वो रेसिपी एकदम झटपट से मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी, और उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए आप लिख लीजिएगा। सो हमारे पास्ता के लिए सारा सामान रेडी हो गया है। तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपको रेडी करने में बता देती हूँ। ये है कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि ये स्पाइसी नहीं होता है, एंड इफ यू लव स्पाइस यू कैन यूज अदर चिलीज एज वेल। ग्रीन चिली है, वी आर गोइंग टू मेक इट स्पाइसी। बच्चे लोगों को भी पसंद है तो आप स्पाइस स्किप कर सकते हैं। मैंने दो ऑनियंस डाइस किए हैं, 5-6 ग्रीन चिलीज, 7-8 गार्लिक क्लॉव्स लिए हैं। क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आप क्वांटिटी कम है तो आप कम यूज करिएगा। और ये है इटालियन पास्ता, पास्ता इटालियन लोग खाते हैं, इसको उन लोग कैसे बोलते हैं, इसका नाम है फुजीली, फुजीली पास्ता। तो ये फुजीली है, और भी अलग अलग पास्ता वैरायटी होता है, मुझे ये वाला बहुत क्यूट लगता है। टमेटोज है एंड अनियंस है, और हियर वी हैव मोजरेला चीज, और यहाँ पे है मिक्स्ड हर्ब्स, यहाँ पे है रोजमेरी, थाइम, बेजिल और ओरिगानो, सब इटालियन स्पाइसेस। सो गाइस, चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पानी गर्म हो गया, सबसे पहले हम लोग रेड सॉस के लिए सामान रेडी करेंगे। तो मैं डाल रही हूँ गरम गरम पानी में 3 टमाटर, कश्मीरी लाल मिर्च, और ये स्पाइसी नहीं होता है, ये बहुत अच्छा कलर देता है। तो आर्टिफिशियल कलरिंग यूज करने के बजाय आप ये यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। टमाटर जो बीच से टेयर हो रहा है, तो ये ऑलमोस्ट पकने वाला है, जस्ट 1 मिनट और पकने देते हैं, उसके बाद मैं इसको उतार देती हूँ। इसको हम लोग निकाल देते हैं यहाँ से, यहाँ पे स्ट्रेनर पे लीजिए, गिर जाएगा। यहाँ पे हम लोग फिर पास्ता के लिए पानी बॉईल कर रहे हैं, और ये उबलने के बाद फिर हम लोग पास्ता डाल देंगे, फुजीली डाल देंगे, आराम से निकल जाएगा ये छिलका। देखिए, क्योंकि हम कैमरा एक हाथ में पकड़ रही हूँ, देखो इसको थोड़ा ठंडा होने देना छिलका निकालने के बाद, और छिलका जरूर निकालना है। तो ये टमाटर मैंने पील कर दिया है, और उसका जो ये टिप होता है थोड़ा टफ होता है वो खाने के लिए, तो ये मैंने निकाल दिया है तीनों का। अभी इसको हम लोग थोड़ा ठंडा होने देने के बाद ग्राइंड करेंगे मिक्सर में। अगर आप गर्मा गर्म करोगे ना तो मिक्सर आपके सर पे फट जाएगा, मुंह पे फट जाएगा, सो इसीलिए। हमारा पानी बॉईल हो गया है, अभी हम लोग डालेंगे पास्ता। कितना टाइम पे एग्जैक्टली होगा मैं टाइमर लगा के रख दिया है, फिर मैं आपको बताऊंगी। एक फुल बाउल ऑफ पास्ता है मेरे पास, फुसीली पास्ता, ठीक है। की बरसात, तो इसको हमें पूरा नहीं पकाना है, क्योंकि ये सॉस के साथ भी फिर पकेगा, अदरवाइज एकदम गीला गीला आ जाएगा, अच्छा नहीं लगता। तो हल्का सा पकाना है, ये हमें मैंने इसे दो भाग कर दिया है, और देयर गोज आवर चिलीज। और मैं डालूंगी एकदम थोड़ा सा पानी, सो दैट ये अच्छे से पेस्ट बन जाए। एक ये वाला ब्लेड यूज करने वाली हूँ, ओके। तो 2 मिनट हो गए हैं, और ये पास्ता क्योंकि हमारा बहुत छोटा साइज है, सो 2 मिनट में ये अच्छे से पक जाएगा। ये जो इसका सेंटर पोर्शन है थोड़ा वाइटिश है, तो ये और कुक हो सकता है अभी, तो इसको हम लोग सॉस में कुक करेंगे। 2 मिनट तक आपको उबलना है अगर आपका छोटा साइज का पास्ता है तो। पास्ता को हम लोगों ने स्ट्रेन कर दिया है, जल्दी से स्ट्रेन कर लीजिएगा। गर्म पैन में हम लोग डालेंगे बटर,
थोड़ा फ्लेम लो करिएगा, चलिएगा पास्ता एंड बटर गोस वेरी वेल टुगेदर। इसमें भी हम लोग थोड़ा बटर डाल देते हैं सो दैट ये स्टिक ना करे एक दूसरे के साथ, एकदम चिपकू चिपकू ना हो। इसको अच्छे से मिक्स कर दिए। गर्मा गर्म बटर में हम लोग डालेंगे गार्लिक, अभी थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम लोग डालेंगे अनियंस, ग्रीन चिली, सॉल्ट टू टेस्ट, अनियन एंड गार्लिक गोल्डन ब्राउन हो गया है, अभी हम लोग डालेंगे हमारा रेड सॉस। ये देखिए नो आर्टिफिशियल कलर एडेड गाइस, लुक एट द नेचुरल कलर ऑफ टोमेटोज एंड चिल्ली। पास्ता जहाँ मैं बॉईल किया था वो पानी एक कप बचा लिया है वो यहाँ पे डाल देते हैं। बस टमाटर का पानी निकलने तक आपको पकाना है क्योंकि अनियंस ऑलरेडी पक गया है, टमाटर भी तो पका है हम लोगों ने बॉईल किया था ऑलरेडी, तो इसका पानी निकलने तक हमें पकाना है। अब ये जब तक पक रहा है तब हम लोग डालेंगे 1 स्पून हमारा मिक्स स्पाइस, और आप चाहे तो ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं। वाओ मिक्स स्पाइसेस का स्मेल बहुत ही बढ़िया आ रहा है, गाइस ये पूरा रेस्टोरेंट का खाना जैसे स्मेल आ रहा है सच में। और थोड़ा सा स्पाइस बिकॉज आई लव स्पाइसी। ये सॉस रेडी है, अभी हम लोग डालेंगे हमारा पास्ता। ये देखिए क्योंकि मैंने बटर डाला था ये अच्छे से सेपरेट हो गया, आपको ज़्यादा तेल नहीं डालना है अदरवाइज जो सॉस है इसके अंदर नहीं घुस पाएगा। तो क्योंकि आज दिवाली है गाइस तो थोड़ा सा फैंसी खाना तो बनता है कि नहीं। ये है मोज़रेला चीज, इसको मैं अभी ग्रेट करूंगी। गाइस हमारा रेड सॉस पास्ता रेडी है, बहुत ही ज्यादा स्पाइसी हो गया लग रहा है। यहाँ पे आप और ज्यादा टमाटर करके आप इसको और थोड़ा गीला वाला बना सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको ड्राई में बनाया है। तो सबसे पहले हम लोग एक थोड़ा सा लेयर डालेंगे क्योंकि हमें चीज डालना है ऊपर से। ये है हमारा ग्रेटेड मोज़रेला चीज, इसको मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। इसको पूरा ढक दीजिए पास्ता से, और आप चाहे तो ऊपर से जो अमूल चीज है वो भी डाल सकते हैं, पार्मेजान चीज भी डाल सकते हैं। लेट्स सी, वाओ देखिए हमारा गूवी मोज़रेला चीज के साथ पास्ता कितना बढ़िया लग रहा है। तो ये मैं चीज को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। फर्स्ट बाइट आपके लिए। ओह माय गॉड चीज स्ट्रिंग्स, वाओ गाइस आज दिवाली के दिन में आपको ये ट्राई करना ही है जैसे भी। इट्स टू गुड, बहुत स्पाइसी हो गया मेरा वाला। यम्मी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग टू दिस वीडियो। सेफ दिवाली मनाइएगा, बी केयरफुल, और स्पेशली जो पालतू जानवर कोई कोई पुच्छड़ में
वो बांध देते हैं ना पटाखा, ऐसा देखने से अगर आप रोकिएगा जरूर। और हाँ, बस मैं चाहती हूँ आप लोग सेफ और हैप्पी दिवाली मनाएं। बाय गाइस। एंड ऑल्सो दिवाली का मौका है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। मैं जल्दी हाजिर हो जाऊंगी मेरा नया व्लॉग लेके। बाय।